जी हेलो एंड हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा सा वेट करना पड़ा उसके लिए, सॉरी गाइस। एक्चुअली यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू अचानक से हो जाता है, फिर उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन बिल्कुल अब प्रॉपर है। तो 4 मिनट का लेट हुआ है। एंड गाइस सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो हमारे साथ ऑलरेडी कितने लोग जुड़ चुके हैं जी? वर्षा गौतम जी वेरी गुड मॉर्निंग, निहार धर गुड मॉर्निंग, सोनू यादव गुड मॉर्निंग, एंड राधे श्याम कसानिया जी कहाँ हो मैम जी? राधे श्याम जी बिल्कुल आ चुकी हूँ लाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो देखिएगा गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो आपका लाइव क्विज है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्विज में पार्ट करना है, ठीक है? तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे गाइस। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से एमकॉम कर रखा है, बहुत सारे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। एंड अभी गाइस जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर टोटल 4 इयर्स का हो चुका है। एंड गाइस मैंने अभी UPPCS लोअर का प्री एग्जाम भी क्लियर किया, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है। एंड गाइज ऑडिटर एग्जाम, युवा विकास अधिकारी, RO प्री एंड UP SSSC के बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? RRB NTPC ग्रुप डी की आज क्विज 1 है। अब क्विज चलेगी, इसमें आप लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेट करना है और आप लोगों को आंसर्स देने हैं, ठीक है? तो आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी। गुड मॉर्निंग राधे श्याम जी, क्विज नंबर 1, इसमें टॉप 30 MCQs होंगे और आप सभी को आंसर करना है यहाँ पे, ठीक है? RRB NTPC पैटर्न बेस्ड है बिल्कुल। तो गाइज हम लोग जुड़ चुके हैं अनअकैडमी के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ 4 चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया है तो उसे आज ही गाइज डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पर होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपको डेली फ्री मिलती हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, और आप चाहे तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं बहुत ही इजीली अपने टारगेट के अनुसार, अपने गोल के अनुसार। एंड गाइस अनलिमिटेड एक्सेस। और अगर एक बार आपने एनरोलमेंट लिया तो उसके बाद आपको ये नहीं देखना है कि एक बार देख सकता हूँ कि दो बार देख सकता हूँ, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार देख सकते हैं जी। सत्यजीत यादव जी हेलो, कैसे हैं? विनीत सिंह जी हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? राधे श्याम मैम, आप फाइनल किस गवर्नमेंट जॉब में हो जी? राधे श्याम जी सारी की सारी जो है ना, एक तो डॉक्यूमेंट जो मेरा पहला एग्जाम था, मैंने पहली बार दिया था ऑडिटर का, वो पहली बार में मुझे पता भी नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रही हूँ और वो क्लियर हो जाएगा, तो उसमें ओ लेवल का डॉक्यूमेंट नहीं था मेरे पास, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी की वैकेंसी सब फंसी हुई है ना। अभी देखिएगा गाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और मेरी प्रोफाइल का नाम ऐप पर, जब आप ऐप पे जाएंगे तो मेरी प्रोफाइल का नाम है अंजू सिंह, वहां से आप गाइज ऐप पे मेरी ऐप पे होने वाली जो स्पेशल क्लासेस है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? एंड गाइज मेरा पर्सनल सजेशन है सभी को कि 12 से 24 मंथ में ही एनरोल करिएगा, क्योंकि इससे कम में कोई सिलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकता है। हाँ केवल एग्जाम देने की तैयारी जरूर कर सकता है कि हाँ मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, लेकिन गाइज 12 से 24 मंथ जरूरी होते हैं कि कम से कम एक बार आप उस कोर्स से बिल्कुल गो थ्रू हो जाए, ठीक है? तो गाइज अगर आप मेरा यहाँ पे रेफरल कोड यूज करेंगे Anju10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस सभी लोग जरूर एनरोल कर लीजिए, ये पीक टाइम है, बाद में समय का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनी का पस्ताने, है ना? अब होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली कहानी हो जाएगी, इसीलिए सभी लोग टाइम पे ले लीजिए जी। राज जी गुड मॉर्निंग, एंड दलेश कुमार ध्रुव जी हेलो, कैसे हैं आप? तो चलिए गाइस टॉप 30 MCQs होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने। रितु जायसवाल, विनीत सिंह, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 degree to 10 degree Celsius इट्स वॉल्यूम, जब पानी को 0 degree से 10 degree Celsius तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या होता है? इट इंक्रीजेस यानी बढ़ता है आयतन, बी डज नॉट चेंज नहीं बदलता है, सी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, एंड डी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी, विनीत सिंह जी का आंसर आ रहा है ए, यानी इंक्रीज होगा। रितु जायसवाल डी, एंड विनीत सिंह ए, गेम किलर बी। गाइस कीप आंसरिंग, बताइएगा अगर एक पानी को क्या किया जाए 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गर्म किया जाए तो क्या होगा?
सत्यजीत जी का आंसर आ रहा है डी, ऋतु जायसवाल डी। तो देखिए गाइस यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी, डी इज द राइट आंसर, ऋतु जायसवाल एंड सत्यजीत यादव, आपका बिल्कुल आंसर सही है गाइस। आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व जल का सबसे अधिक होता है ना। तो जब घनत्व जहां पे ज्यादा होता है यानी कि डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा होती है तो आयतन क्या होता है, कम, और अगर डेंसिटी कम होती है तो आयतन क्या होता है, अगर डेंसिटी कम हुई तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो गाइज आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो पहले तो क्या होता है, पहले आयतन जो है वो घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसके बाद इंक्रीज होगा। जबकि इसके अलावा जो बाकी लिक्विड होते हैं इसमें उल्टा होता है, गर्म करने पे क्या होता है, पहले आयतन बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। लेकिन जल में उल्टा होता है, पहले आयतन बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, नासिक निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी ताप्ती एंड डी नर्मदा। अब बताइएगा नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जी विनीत सिंह जी कह रहे हैं ओके मैम डी। विनीत सिंह जी आप वही वाले विनीत सिंह जी हैं जो पहले आते थे या दूसरे कोई विनीत सिंह जी हैं, आपकी ये पहली क्लास है या पहले भी आप मेरी क्लास कर चुके हैं। जी ऋतु जायसवाल जी का आंसर आ रहा है डी गोदावरी, राज ए, राधे श्याम ए, दलेश कुमार ध्रुव बी, विनीत सिंह गोदावरी, सत्यजीत यादव ए। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और गोदावरी नदी आप जानते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर दक्षिण भारत की पूछा जाता है तो सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो भी आंसर होता है गोदावरी। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो भी आंसर होता है गोदावरी। एंड गाइस गोदावरी जो है इसकी उसकी लंबाई कितनी है, 1764 किलोमीटर, और ये कहाँ से निकलती है गाइस, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, है ना, त्र्यंबकेश्वर से, वेस्टर्न घाट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ना। एंड गाइस आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ के जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है साल भर में, कहाँ कहाँ पे, एक इलाहाबाद, इलाहाबाद में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। तो जो नासिक में मेला लगता है ना वो गोदावरी नदी के किनारे ही लगता है गाइस। इलाहाबाद में किस नदी के किनारे लगता है आपका, गंगा नदी, और उज्जैन में शिप्रा नदी, और हरिद्वार में गंगा नदी, है ना। तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है आपका नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जनार्दन कुमार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। ओल्डेस्ट रिवर जी बिल्कुल वृद्ध गंगा। अब देखते हैं गाइस जी बिल्कुल ऋतु जी बिल्कुल सही है। गाइस सभी लोग क्या करिए, क्लास टाइमिंग के लिए आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट इन वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, व्हाट वाज इट्स नेम, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था, ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन, सी सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, एंड डी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने नमक कानून के उल्लंघन में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। जी गुड मॉर्निंग अभिषेक कुमार, पुनीत जी हेलो कैसे हैं आप, अमित कुमार जी, अमित कुमार एंटरटेनमेंट गुड मॉर्निंग, योगेश प्रधान गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल सी लगातार आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी, दिलीप कुमार जी गुड मॉर्निंग, सभी को गाइस गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। 1930 में नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, यानी नमक का उत्पादन करने के लिए क्या हो रहा था, अंग्रेजों द्वारा एकाधिकार कर लिया गया था, मोनोपोली, इसी का विरोध किया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो उन्होंने 1930 में इसी से, बल्कि 1929 से ही तैयारी शुरू कर दी थी, और इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद से क्या किया था, अहमदाबाद से 12 मार्च को स्टार्ट की थी दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च, और 6 अप्रैल को ये कहाँ पे पहुंचे थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी नामक स्थान पर, फिर वहीं से उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया था और नमक कानून को तोड़ने की बात की थी कि हम अंग्रेजों का एकाधिकार इस पे नहीं रहने देंगे। ये यात्रा शुरू कब हुई थी, 12 मार्च को, लेकिन गाइस दांडी जगह पे कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल को, और इसी इसी से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता गया, जिसके तहत फिर गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, है
है ना, लेकिन वो समझौते में जो बात कही गई थी, 10 सूत्री 11 सूत्री मांगे की गई थी गांधी जी की तरफ से, उनको फॉलो नहीं किया गया, बस केवल बेवकूफ बनाया गया था, है ना। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4। रेड कलर इन सॉइल ड्यू टू हूज टेम्परेचर कम्स, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है। ए नाइट्रोजन, बी ह्यूमस, सी आयरन ऑक्साइड एंड डी कॉपर। जी पुनीत कुमार जी बिल्कुल एग्री करते हैं, अच्छी बात है गाइस, सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। रितु जी आयरन, दलेश सी अभिषेक कुमार, बी पवन कोहले, सी राधे श्याम आयरन ऑक्साइड, रितु जायसवाल आयरन ऑक्साइड। वेरी नाइस गाइस। ओपी लकी, सी सत्येंद्र सिंह राणा जी, सी सागर मीना, सी विनीत सिंह, सी अर्जित अग्रवाल। सी अर्जित जी, आज आप ऐप पर क्लासेस क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐप पर कल 2 घंटे क्लास हुई है, एक पॉलिटी स्पेशल और एक साइंस बायोलॉजी स्पेशल। आप डेली पूछते हैं कि मैम ऐप पर क्लास क्यों नहीं चल रही है, तो मैं आपको बता दूं, कल जो है बायोलॉजी स्पेशल चला था जिसमें 30 MCQs थे और आपके 35 MCQs थे पॉलिटी में। तो पॉलिटी वाली 1 से 2 हुई थी और बायोलॉजी वाली 2 से 3 हुई थी। अगर नहीं देखी आपने तो देख लीजिएगा, बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी लोग देखिएगा गाइस ऐप पर। अब देखते हैं गाइस, आंसर बिल्कुल सही है आपका, सी इज द राइट आंसर। आयरन ऑक्साइड होने के कारण क्या होता है, रेड कलर होता है ये रेड सॉइल में। एंड गाइस जो मार्स है, जो हमारा मंगल ग्रह है, उसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, उसका भी कारण यही है। जो मंगल है उसको लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भी रेड ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए मंगल को भी लाल ग्रह कहते हैं। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5। हरप्रीत सिंह मैम आपका प्लस कोर्स कब आएगा एसएससी प्लस में? जितना ज्यादा आप लोग जितनी जल्दी एनरोलमेंट करिए, मैं तो कह रही हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा भी आप लोग एनरोलमेंट करेंगे तो जल्दी से प्लस कोर्स आ जाएगा। बिल्कुल, अगर सारे लोग थोड़ा सा ग्रुपिंग करिए और थोड़ा थोड़ा एनरोलमेंट करिए तो जरूर आ जाएगा। अब क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग आपका एनरोलमेंट लेते हैं, इसलिए। जी मैंने देखी बाद में ऑफलाइन क्लास मैम। जी अर्जित जी वेरी नाइस, नेवर नेवर नेवर। क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, हाउ मेनी टाइम्स अ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया, भारत में राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ए 1 बार, 2 बार, 3 बार, डी नेवर। वैसे डी ज्यादा आंसर आ रहा है, सागर, ऋतु, सत्यजीत, सत्येन, पवन, संदीप, पुनीत, ऋतु, अमित कुमार सभी का, एंड फारूक खान, योगेश, हरप्रीत, सागर, राधेश्याम। वेरी नाइस गाइस, बिल्कुल सही आंसर है, आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए गाइस। अच्छा हमारे देश में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो आर्टिकल दिया हुआ है वो आर्टिकल 352 में दिया है, और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आर्टिकल है वो 356 में दिया है, और राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का वो 360 में, ठीक है। तो ये तीन जो है ये इमरजेंसी से, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है गाइस, ठीक है। और भारत ने आज तक कभी भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। ओके अब देखते हैं गाइस, सभी लोग टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। राधे राधे, कुणाल अग्रवाल जी कैसे हैं आप, नंद किशोर जी गुड मॉर्निंग, अविनाश कुमार जी गुड मॉर्निंग, शायद लग जाए इस बार हमें लगता है। अच्छा पुनीत कुमार जी ऐसी विश रख रहे हैं क्या आप। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6। हु वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड गो फ्रॉम इंडिया, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। ए पुर्तगीज, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश एंड डी डच। अब बताइएगा भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले लोग कौन थे। आई एम ऑलवेज फाइन। अच्छा कुणाल जी, कुणाल अग्रवाल जी आप ऑलवेज फाइन रहते हैं, अच्छी बात है। सॉरी मैम, आई थॉट नेशनल इमरजेंसी 1961, 1972, 1975। अच्छा तो देखिए गाइस यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जी अंग्रेज ही होंगे, अविनाश जी कह रहे हैं। पुर्तगीज ऐसे ज्यादा आंसर आ रहा है, पुर्तगाली। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, पुर्तगाली थे गाइस। 1498 में सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली आया था, वास्को डिगामा, है ना, केप ऑफ
कौन सा स्थान था? केप ऑफ गुड होप है ना, उसी रास्ते से आया था कौन? वास्को डी गामा। एंड गाइस ये कौन से केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था, और ये लोग 1498 में आ गए थे गाइस, और लेकिन सबसे भारत में सबसे बाद में गए ये, कब गए? 1961 में गोवा से। एंड गाइस भारतीय साम्राज्य फैलाने के लिए सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है? अल्बुकर्क। गाइस अल्बुकर्क ने क्या किया था? 1509 में गोवा जीता था, 1509 में गोवा जीता था, ठीक है। और वहां पे जब ये आया था, गोवा जीता था, और फिर 1510 में, 1510 में गाइस मलक्का जीता था, और सबसे आखिरी में ये लोग गए हैं 1961 में गोवा से, ठीक है। और सबसे पहले आए थे 1498 में, वास्को डिगामा आया था। कौन से रास्ते थे? रास्ते से केप ऑफ गुड होप से कालीकट बंदरगाह पे। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा। विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ए ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, बी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, सी मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल, एंड डी आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। अच्छा बफरिंग हो रही है, बफरिंग की प्रॉब्लम ऐसे होनी। जी अब तो नहीं हो रही है बफरिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा, अब नहीं हो रही है ना बफरिंग। जी अब देखिएगा गाइस, जी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ज्यादातर लोगों का, ट्रोपोस्फेयर बिल्कुल सही है गाइस, आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप देखिएगा गाइस, ट्रोपोस्फेयर सबसे सबसे नीचे होता है, जिसे हम लोग अपना एटमोस्फेयर भी कहते हैं, अर्थ का एटमोस्फेयर भी क्या होता है? क्षोभ मंडल ही होता है ना। एंड गाइस ये जैसे हमारी पृथ्वी है, तो सबसे पहले आपका क्या पड़ता है? ये पांच लेयर्स में डिवाइड है गाइस, ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका आता है मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर, फिर आपका आता है आयन मंडल यानी आइनोस्फेयर, और फिर आपका आता है एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। तो टोटल कितनी परतें हैं गाइस? पांच हैं। और ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये केवल और केवल कितने किलोमीटर तक है? 13 किलोमीटर तक, ठीक है। वैसे गाइस अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर अगर ये जैसे विषुवत रेखा पर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पोल्स से देखा जाए ट्रोपोस्फेयर की दूरी, तो गाइस 8 किलोमीटर तक होती है पोल्स से, और अगर यही इक्वेटर से देखा जाए इसकी दूरी, तो 13 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर होती है। इसीलिए इन दोनों का एवरेज लिया जाता है गाइस 13 किलोमीटर, ठीक है। पोल्स से कितनी दूरी होती है ट्रोपोस्फेयर की, क्षोभ मंडल की? 8 किलोमीटर। और इक्वेटर से कितनी होती है? 18। इसीलिए एवरेज लिया जाता है कितना? 13 किलोमीटर, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया है? जी चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सभी लोग देखिएगा, अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8। जी क्वेश्चन नंबर 8,
What is the minimum distance of clear vision for a normal healthy eye of a human being? मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एंड डी 30 सेंटीमीटर। जी पुनीत जी आपने कहाँ क्या पूछा है? अमित कुमार जी कह रहे कहाँ से हो मैम? देखिएगा मानव की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि कितनी दूरी मानी जाती है? जी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 या 30। अभी योगेश प्रधान जी का आ रहा है आंसर 25, विनीत सिंह सी, ऋतु जायसवाल 25, दलेश कुमार ध्रुव सी एंड राधे श्याम जी सी, अमित कुमार आओ ऋतु खा लो, अच्छा सत्यजीत 25 सेंटीमीटर, विजेंद्र महतो सी, वर्षा गौतम सी, अविनाश कुमार 25। वेरी नाइस गाइस, बिल्कुल सही आंसर आपका। जो गाइस 25 सेंटीमीटर की दूरी मानी जाती है ना, ये न्यूनतम होती है, यानी कि अगर स्पष्ट चीज आपको देखनी है और ये है आपकी अगर आईज, तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए गाइस? 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम आपकी इनफाइनाइट तक होती है गाइस, इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अच्छा बताइए, जो जो लेंस होते हैं उनको उनको किस इकाई में मापा जाता है? जो लेंस होते हैं आंखों में लगाने वाले या जो चश्मे होते हैं उनके उनको नापने की, फोकल लेंथ को नापने की इकाई क्या होती है? आप लोगों के लिए ये वीडियो चेक करने में थोड़ा सा साइलेंट होना पड़ता है सत्यजीत जी, कि प्रॉपर वीडियो जा रही है या नहीं जा रही है। थोड़ा सा टेक्निकल का भी हमें पढ़ाने के साथ साथ टेक्निकल पे भी ध्यान देना पड़ता है जी। तो देखिए गाइस यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। और डायोप्टर में नापते हैं, किसमें? डायोप्टर में, लेंस की इकाई, फोकल लेंथ। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए लोकसभा स्पीकर, बी एयरफोर्स चीफ यानी कि वायुसेना अध्यक्ष, सी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई। अब बताइएगा किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? मैम प्लीज बोलते रहिएगा। अच्छा पुनीत जी, दैट्स व्हाई वी कैन सी स्काई। जी बिल्कुल जी बिल्कुल अविनाश जी, डायरेक्टर इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा। पता नहीं क्यों यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, इसको रुकिए मुझे रिफ्रेश करने दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए लोकसभा स्पीकर, बी एयरफोर्स चीफ यानी एयर मार्शल एंड सी अटॉर्नी जनरल एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी विनीत सिंह जी का आंसर आ रहा है ए, दलेश कुमार ध्रुव ए, राधे श्याम ए, अविनाश कुमार ए, सत्यजीव यादव ए, सौरभ कुमार डी, प्रतिमा मौर्य एयरफोर्स, विजेंद्र ए, महेश ए, वर्षा गौतम ए। गाइस बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, वेरी नाइस गाइस। क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा सांसदों द्वारा यानी कि लोकसभा सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। और इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। एंड गाइस एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाए यानी संयुक्त सभा बुलाई जाए तो बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता तब भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही तब भी अध्यक्षता करता है संयुक्त संयुक्त बैठक की भी, ठीक है। बाकी आपके एयर चीफ हो,
कोई भी सेना प्रमुख हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, जैसे कि आपका कैग, अटॉर्नी जनरल, ये सबकी नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, इन सब की नियुक्ति करते हैं आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, सीजेआई सभी की। अब देखते हैं गाइस, सभी लोग टाइमिंग के लिए क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। इन विच स्क्रिप्ट वर मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए थे? ए मगधी, बी पाली, सी ब्राह्मी एंड डी प्राकृत। राधे राधे, हरिओम नायक जी, कैसे हैं आप? महीपत सपोट्रा जी भी आ चुके हैं एंड शुभांकर दास, इमाद तारिक, विजेंद्र महतो, सभी का स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप सभी? जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बढ़िया हैं, मित्र दोस्त सब। गाइस आप लोग ऐप पर भी जुड़ा करिए, ऐप पर भी डेली क्लास होती है। ओम बिरला कोटा से जी, आईएएस सिलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शन ऑफ हाईएस्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ हाउस पार्लियामेंट जी, 110 अंडर आर्टिकल, आर्टिकल 110 तो मनी बिल से होता है अविनाश कुमार जी, वो तो धन विधेयक से होता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे राइट राइट आंसर क्या होगा आपका? हरिवंश क्या है मैम? हरिवंश का क्या मतलब है? अब देखिए गाइस, बताइएगा इन विच स्क्रिप्ट वर मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड, ब्राह्मी, ऋतु ब्राह्मी एंड पूर्वाशा गोस्वामी, सी पूजा रानी पाली, विनीत सिंह सी, हरिओम नायक ए, राधे श्याम सी, ऋतु जायसवाल ब्राह्मी, अखिलेश जेपीआर सी, सौरभ कुमार ए, महीपत सी, पूर्वशा गोस्वामी सी। गाइस यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल पवन, महेश, पुनीत, ऋतु सभी का आंसर अमित एंड कासिफ अमीन, गाइस बिल्कुल राइट आंसर है सी, जो अशोक के अधिकतर अभिलेख थे। वैसे बाकी भी भाषाओं में लिखे गए हैं, लेकिन अधिकतर जो थे वो कौन से में थे? ब्राह्मी में थे गाइस, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफल कौन हुआ था? सभी लोग बताइएगा, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफल कौन हुआ था? मैम ऐप पर फीस लगती है क्या? जी वर्षा गौतम जी, नहीं बिल्कुल, स्पेशल क्लास के लिए नो फीस, स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी लोग कर सकते हैं गाइस। ऐसी सुविधा और कोई नहीं देगा, वहां पे आपको खुद अपना पोल कर सकते हैं, अपने आंसर्स की पोलिंग और रैंकिंग भी होती है वहां पे, सारे लोग रैंक भी पाते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले जो जो कामयाब हुए थे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में, ठीक है। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is the highest mountain peak? अब बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए ये क्या लिखा है, कामेत, ए कामेत पर्वत, बी कुनलुन, सी नंगा पर्वत एंड डी नंदा देवी। बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत एंड नंदा देवी। अब इनमें बताइएगा कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? आज वीडियो बहुत धीरे चल रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ, इसका मामला क्या है? गाइस कीप आंसरिंग जी, विनीत सिंह जी का आंसर आ रहा है डी नंदा देवी, इमाद नंदा देवी, कासिफ डी, सभी लोग नंदा देवी आंसर दे रहे हैं।
मैम आपकी क्लास कितनी फीस है जी? अभी तो प्लस कोर्स मेरा आया नहीं है, लेकिन आप लोग एनरोलमेंट करेंगे तो जरूर आ जाएगा। अभी आप लोग अपने टारगेट के हिसाब से कर लीजिए, उसके बाद मेरा प्लस कोर्स उसी में मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। जी देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि सबसे सबसे ऊंचा कौन सा है गाइस? नंगा पर्वत, उसके बाद है आपका नंदा देवी, उसके बाद है आपका कामेत, और उसके बाद है आपका कुनलुन। ठीक है, कुनलुन। तो नंगा पर्वत की गाइस ऊंचाई कितनी है? 8125 मीटर, 7824। कामेत की कितनी है? 7756। और कुनलुन की कितनी है? 7167। ये गाइस मीटर में ये ऊंचाई दी हुई है। तो सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा हुआ गाइस? नंगा पर्वत। आप देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस करिएगा। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। इधर दिए हुए हैं आपको गाइस सूची वन और इधर लिस्ट टू। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट किस में मापा जाता है? ओम, एयर एयर वेलोसिटी यानी कि वायु वेग, हाइग्रोमीटर प्रतिरोध रेजिस्टेंस, एमीटर एनटी ह्यूमिडिटी एनीमोमीटर। तो आप बताइएगा किसको किस में मापा जाता है, राइट मैच करना है आपको। आज कुछ वीडियो काफी ज्यादा पीछे चल रही है, मैं आगे चल रही हूँ और वीडियो पीछे चल रही है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। अब बताइएगा गाइस क्वेश्चन नंबर टू, 12, सूची वन को सूची टू से मैच कराना है आपको। जी 3412, 3412 आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है गाइस, बहुत अच्छा, बी इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, 3412। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को पा जाता है गाइस एमीटर में, किसमें? एमीटर में। और एयर वेलोसिटी यानी वायु वेग को किसमें नापा जाता है? एनीमोमीटर में, किसमें? एनीमोमीटर में। प्रतिरोध को ओम में और ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से। तो राइट आंसर क्या होगा? 3412। ठीक है, अब देखते हैं आगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, चरक वॉज अ कोट फॉर कोट प्रधान जी, सही है आपका। अब बताइएगा, चरक वॉज अ कोर्ट कोर्ट डॉक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट। चरक निम्नलिखित में से किसके राज्य में राज्य चिकित्सक थे? गणेश, गणेश, भवानी प्रताप सिंह ए, के सिंह सी, पीके मीडिया गणेश, हरिओम नायक बफरिंग। जी बिल्कुल बफरिंग हो रही है, लेकिन अब मैंने सही किया इसको, क्योंकि मैं आगे बोल रही थी और वीडियो पीछे चल रही थी, तो तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए मैंने एक बार इसको डिस्कनेक्ट किया है और डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट किया है, तो अब प्रॉपर सीक्वेंस में आई है। जी कई लोगों का ए आंसर आ रहा है, कई लोगों का सी आंसर आ रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, कनिष्क के समय में थे चरक, ठीक है, और इसीलिए उसी समय जो है चिकित्सा शैली में काफी ज्यादा उत्थान हुआ था कनिष्क के समय में। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार।
संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? A 3 times यानी 3 बार, B 2 times यानी 2 बार, C 1 time यानी 1 बार, एंड D never यानी कभी नहीं। जी पवन रजाक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिओम नायक, बढ़िया मैम जी, अब प्रॉपर चलेगी वीडियो, डोंट वरी गाइस। अभी तक ना मैं आगे बोल रही थी और वीडियो पीछे चल रही थी, तो सीक्वेंस बन नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा था। अब सही चलेगा जी। 14 का ए महेश गायकवाड़, सी करण साहू, डी ऋतु फर्स्ट, 8 times 1 time एंड करण साहू कभी नहीं, विनीत सिंह, सी योगेश प्रधान, नो नेवर, पीके मीडिया नेवर, पवन रजाक, सी अमित कुमार, सी विजेंद्र महतो, डी गाइस कीप आंसरिंग, वेरी नाइस, कासिफ अमीन, बी ऋतु जायसवाल, 1 time। देखिएगा गाइस, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, लेकिन विनीत सिंह जी 72वां अमेंडमेंट नहीं था, 42वां था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, प्रीएम्बल में यानी प्रस्तावना में, तो गाइस आज तक केवल एक बार ही हुआ है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। और इसके तहत किया क्या गया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, किसको, सोशलिस्टिक यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, इंटीग्रिटी। तो गाइज ये 3 शब्द जोड़े गए थे और आज तक प्रस्तावना में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, एक बार के अलावा, जो कि 1976 में किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। अब देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 15। वेयर डज द ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है? ए ऑन द कॉर्निया यानी कॉर्निया पर, बी आयरिस यानी आयरिस पर, सी प्यूपिल यानी पुतली पर, एंड डी ऑन रेटिना रेटिना पर। तीन नेम चेंज। हरिओम नायक जी, अमित कुमार जी, मैम चाय पी लो, मैं चाय पी चुकी हूँ अमित जी, लेकिन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिरेन मैं तो थैंक्स मैम। पवन रजाक 15 का D 100%, ऋतु जायसवाल रेटिना, एंड गाइस कीप आंसरिंग। दलेश कुमार ध्रुव, बी करण साहू, डी रेनू मीना गीत, डी। गाइज आज जितने भी लोगों की पहली बार क्लास हो रही है, सभी लोग बताएंगे कि मैम टुडे इज माय फर्स्ट डे, या फिर इस तरीके से बताइएगा जरूर कि आज आपकी पहली क्लास है जी। पीके मीडिया जी कह रहे हैं रेटिना होगा, तो गाइज बिल्कुल रेटिना इज द राइट आंसर, डी रेटिना। गाइज कहाँ पे होती है, जैसे ये मनुष्य की आंखें है, तो सबसे आगे क्या होती है, जो झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। प्यूपिल क्या होती है, जो ब्लैक पार्ट होता है ना, प्यूपिल। और आपका ये आयरिस क्या होता है, आयरिस एक बिंदु होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और रेटिना जो होती है, यहाँ पे आपकी एक ट्यूब नुमा, जैसे ये ट्यूब नुमा अंदर बनी होती है ना आईबॉल, ये जो आईबॉल होती है तो अंदर जो ट्यूब जाती है, तो यहीं पर रेटिना होता है, ये स्पॉट होता है आपका रेटिना का। तो गाइस जैसे कैमरे में क्या होता है, कैमरा क्या करता है, जब किसी चीज पे कैमरा पड़ता है तो उस चीज की जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और उल्टा प्रतिबिंब आकर लेंस पर बनाती है, उसी तरीके से हमारी आंखें क्या करती हैं, जो भी चीज या वस्तु, एक सेकेंड रुकिएगा, रेटिना क्या करती है, कोई भी चीज या वस्तु हमारी आंखों के सामने जब पड़ती है तो उससे आने वाली रेजेस का फोकस बिंदु यानी फोकल स्पॉट जो होता है उसको आके रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, रेटिना पे कन्वर्ज। तो फोकस बिंदु रेटिना पर बनता है, इसीलिए हमारे हमारे रेटिना पे क्या उल्टी प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना पे, ठीक है। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16 जी। आप मेरा भी आज मजा आ गया आपका क्लास, माय फर्स्ट डे, अमित कुमार जी, पीके मीडिया, टुडे इज माय सेकंड डे, करण साहू फर्स्ट डे, केके सिंह फर्स्ट क्लास, अच्छा, एंड ध्रुव, दलेश कुमार ध्रुव फर्स्ट क्लास वाले लाइक करो। अच्छा गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इन विच स्टेट